तो मुझे ये करना था इस मंच पे, क्योंकि इससे बड़ा मंच मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई एक्ट किसी और मंच पे कर पाऊँ। मैं इतना ही कहूँगा कि जो मैंने देखा शायद इससे अच्छा और मैं देख भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज गॉड ब्लेस यू। बट माँ किया पिता इन्हें नहीं पता ये क्या करते हैं, उन लोगों को क्षमा किया, वही बलिदान प्रभु यीशु मसीह का इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिला है। दोस्तों अभी मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जरूर आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिसमें किस प्रकार से परमेश्वर के दास जॉनी लेवर ने भी किस प्रकार से अपने जीवन की एक ऐसी गवाही आप और मेरे सामने रखी है, दुनिया वाले देख कर इस गवाही को हैरान हो सकते हैं। जरूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से बहुत दूर है। आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन कभी बाइबल वाइबल नहीं पढ़ी। 2002 के बाद जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब मुझे परमेश्वर समझ में आने लगा। मैं पहले, मेरी टेस्टिमनी सबको पता है, मैं बहुत शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति सुकून कभी नहीं, ये सब चीज़ें होती रहीं। उसके बाद मेरे बेटे का प्रॉब्लम था, मेरे बेटे को सब लोगों ने कह दिया मेरा बेटा, उसको कुछ गांठ आ गया था, वो टेस्ट बनी है, सब ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा ऑपरेशन, फलाना होगा, ये होगा वो हो गया, संतों ने कह दिया, बाबा लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं होगा, सब ने ना कह दिया। और मेरा बच्चा 16 साल से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास ट्यूबर चला गया, सब कुछ चला गया, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से लोगों ने उसके लिए बहुत दुआएं की। कहीं जैसे आज इन्होंने प्रोफेसी की, ऐसे प्रोफेसी जो इन्होंने की सब लोगों के लिए वेंकट जी ने, इसी तरह मेरी वाइफ गई थी कहीं हैदराबाद, कहाँ गई थी आप, जॉन रविंद्रनाथ राइट, दिनाकरन जी के साथ के, दिनाकरन जी और वो दोनों सेवक थे, अभी वो भी चले गए, वो हैदराबाद में कोई मीटिंग थी, तो मेरे बच्चे के लिए मेरी वाइफ जाती थी, हर जगह जाती थी कि उसको हीलिंग मिले, इतनी बड़ी गांठ थी उसके गले पे, उसको हीलिंग मिले, जाती थी, ऐसे लाइन लगती थी, तो प्रेयर करते थे वो रॉबिन जी, बड़ा कड़क थे वो, जरा बड़ी स्ट्रांग बिलीवर थे वो, बड़े सेवक थे। जैसे मेरी वाइफ बच्चे को लेके आई, उसने बताया मुझे, उन्होंने प्रेयर किया, देखा ट्यूमर, इन द नेम ऑफ जीसस दिस ट्यूमर विल डिसअपीयर, इतना बड़ा ट्यूमर, डॉक्टर भी बोलता है ऑपरेशन नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, दिस ट्यूमर विल गायब हो जाएगा, यीशु के नाम से ये यहां ट्यूमर इस गले पे नहीं होगा, जाओ। ये अपने लेके निकल गई, जाके फिर लाइन में खड़ी हो गई, कि दोबारा हाथ लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा, जल्दी दोबारा लाइन में खड़ी होके आ गई। और वो सेवक उसको दास ने पहचान लिया, जस्ट नाउ यू केम, नो आई प्रेड फॉर दिस बॉय, या हाँ, तो व्हाई आर यू कमिंग अगेन एंड अगेन, तुम डाउट करते हो जीसस पे, डाउट करते हो, आई टोल्ड यू नो, ये नहीं रहेगा, ये ट्यूमर इट विल डिसअपीयर, गो। हम लोग सोचते थे कब डिसअपीयर होगा, सब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ऊपर वाले के दास, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, ये अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, हम इंसान हैं, हमारा दिमाग इतना सा है, हमको विश्वास नहीं होता है, कैसे विश्वास करेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि नो नो यार, आई थिंक यू नो यू हैव टू गो टू अमेरिका, आई थिंक, फिर भी वो भी लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोल गए, अमेरिका में भी ऑपरेशन नहीं होगा, तो फिर हम लोग कैसे यकीन करेंगे, उनका यकीन करेंगे, इनका यकीन करेंगे, इन्होंने तो जोश में बोल दिए। आप यकीन कीजिए, जब हम लोग अमेरिका गए उसका ऑपरेशन करने के लिए, और उधर भी अजीब और गरीब, हम लोग तो घूमने के लिए गए थे, कहां से चर्च में गए, और चर्च के प्रीस्ट ने कहा कि गो टू स्लॉन कैटरिंग हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, न्यूयॉर्क जाओ, स्लॉन कैटरिंग हॉस्पिटल, जितने बड़े बड़े लोग उधर ही जाते हैं, अब ऋषि कपूर भी उधर ही है, सोनाली बेंद्रे उधर ही थी,
अपना कौन है दूसरा, इमरान, इरफान खान, सब स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल में जाते हैं। मैं उधर गया था सर, वहां पर गया, जैसे प्रीस्ट ने कहा तो मैं वहां पे चक्का वकअप कराया, पहुंच गया इन द नेम ऑफ जीसस। तीन घंटे का ऑपरेशन, पूरा ट्यूमर निकल गया, मेरा बच्चा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। और यहाँ इंडिया में, मुंबई में कहा था कि ये अगर मैं ऑपरेशन भी करूँ, दो साल पहले छोटा जब ट्यूमर इतना था, बाद में इतना बड़ा हुआ, इतना ट्यूमर था, तो बोले मैं ऑपरेशन भी करूँगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, अगर ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड तो 100% पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी जाएगी और ये ट्यूमर वापस आ सकता है। तीन चार बातें बता दी मैंने, कहा बंद कर भाई। वो टाका फिर से लगा, मेरे टेबल पे मेरा बेटा बैठा, वैसा टाका है पूरा खोला हुआ उसने, मतलब फिर से टाका लगा तो बंद कर दो, नहीं ऑपरेशन करना। तो वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था, वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था, इन्होंने तीन घंटे में करके। और भाई ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा तो मेरा बच्चा जो है उसका लेफ्ट हैंड का मेरे को फिक्र थी, लेफ्ट हैंड की फिक्र थी। वो जैसे बाहर आते ही मेरे को देखा और ऐसा हाथ उठाया लेफ्ट हैंड, डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। हम लोग सिर्फ दुआ में थे, सिर्फ प्रार्थना करते थे और कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना में थे। एक पट्टी, इतना बड़ा ट्यूमर चला गया और खाली एक ही पट्टी, और उस परमेश्वर का महान दास की बात याद आई, ये ट्यूमर गायब हो जाएगा, ये ट्यूमर दिखाई नहीं देगा, इन द नेम ऑफ जीसस ये ट्यूमर नहीं होगा। उस ट्यूमर के बाद मेरी जिंदगी बदल गई दोस्तों, 2002 के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने पहला काम मैंने शराब छोड़ दी, शराब, सिगरेट, गलत बात करना, गंदी बात करना, मैंने सब छोड़ दिया। और बाइबिल पढ़ता रहा, रोता रहा, वो पढ़ता रहा, रोता रहा, ये मैं करते करते भी प्रभुओं के दास, दिन में चार चार मीटिंग है जैसे आप बैठे हुए हैं, इसी तरह मैं हर मीटिंग कोई भी जहां भी मीटिंग हो भागता था भाई, यहां मीटिंग, वहां मीटिंग, वहां मीटिंग। दोस्तों फिर मेरा काम कम हो गया, मैंने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा, मैं 10-12 साल काम नहीं किया, बीच में मैं गायब था। बहुत से लोग बोलते हैं आप पिक्चर में नहीं आते हो, शो भी नहीं करते हो, एक नेचुरल ब्रेक था, एक डाउनफॉल था। काम हर एक की जिंदगी में ब्रेक आता है, हर एक आर्टिस्ट की जिंदगी में ब्रेक आता है, मगर मैं उस ब्रेक के अंदर प्रभु का हाथ थाम लिया था। मैं बोला मेरे को इधर मजा आ रहा है, मैं प्रेयर मीटिंग के लिए जाता हूँ, इधर उधर उधर इधर जाने लगा। और अजीबोगरीब मैं अपने बच्चे का टेस्टिमनी देता था, बच्चे का टेस्टिमनी, बच्चे की गवाही देता था, और बच्चे की गवाही दूं, गवाही देके मैं खड़ा हो जाता था ऐसे। एक बार मैं ऐसे खड़ा था क्योंकि मैं बहुत प्रेयर में रहता था। तो एक दिन मैं ऐसे खड़ा था, मुझे लोग मिलने आए, ये 2003 की बात बता रहा हूँ। पास्टर शेखर ले गए थे मुझे कहीं, कलीना, मुंबई कलीना में एक हॉल में मीटिंग थी इसी तरह, और मैं खड़ा हूँ, अद्भुत बातें बता रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत अद्भुत था। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, एक लड़की आई ऐसे सलवार पंजाबी ड्रेस पे, वो बेचारी आई, तो देखिए ऑटोग्राफ लेने आई। और जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ के ऐसा मैंने कागज लिया, वो गिर गई, क्यों गिरे, जो कपड़े ठीक कर रहा हूं, ये क्यों गिर गए। दूसरा एक आया, क्या हुआ जॉनी भाई, वो भी गिर गया, जो मेरे को छू रहा है वो गिर रहा है, जो मेरे को देख रहा है वो गिर रहा है, मेरे को समझ नहीं आया। बोले पास्टर ये लोग क्यों गिर रहे हैं, ब्रदर दिस इज अनॉइंटिंग, प्रे फॉर पीपल, प्रे। कैसा प्रे करने का मेरे को नहीं मालूम, और यकीन कीजिए मुझे पता ही नहीं कैसे प्रे करना। और मैं प्रे करना शुरू किया, मैंने कहा यार ऐसे तो कुछ हीलिंग होने लगी, बड़ा मजा आया मेरे को, अच्छा लग रहा था भी, क्या हो रहा है। और एक आध शूटिंग, एक आध पिक्चर करता था, कोई पिक्चर आ गया मैं कर लिया, अच्छा पिक्चर कोई आ गया तो मैं कर लेता था।
अभी दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इस वीडियो के अंदर जॉनी लीवर ने भी किस प्रकार से परमेश्वर की उस महिमा को दर्शाया है, किस प्रकार से परमेश्वर ने जॉनी लीवर के जीवन में अद्भुत काम को किया है। और बाइबल कहती है जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। सच में जब हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर को संसार की नहीं परंतु स्वर्गीय दृष्टि से देखते हैं, तो हम विश्वास कर पाते हैं। और बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जॉनी लीवर ने ये बताया कि उनका लड़का जो एक ऐसी बीमारी में था जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी, लेकिन प्रभु ने उसे चंगा किया। आज आपके जीवन में कोई समस्या हो सकती है, कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसे आप नहीं निकल पा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बोझ के नीचे दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों आज हमारी शांति सिर्फ सच्चे परमेश्वर के पास ही मिल सकती है। इस दुनिया में बहुत से रास्ते हैं, लेकिन आपको एक सही रास्ता जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास में नहीं जा सकते, मतलब स्वर्ग नहीं जा सकते। तो यीशु मसीह वो मार्ग है। जरूर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से दूर हैं और जिन्होंने आज तक भी प्रभु के प्रेम को नहीं चखा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।